बॉलीवुड के झकास यानी कि अनिल कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 3 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, साथ ही साथ काफी मेहनत भी कर रहे हैं। अनिल कपूर अपनी इसी फिल्म को लेकर प्रमोशन में भी काफी अच्छे से जुट चुके हैं, लेकिन हाल ही में प्रमोशन के दौरान अनिल ने अपने को स्टार बॉबी देओल के बर्बाद करियर के बारे में कुछ बातें कही हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, बातचीत में अनिल ने बॉबी देओल के बारे में बात करते हुए कहा कि बॉबी ने बिल्कुल सही फिल्म के साथ वापसी की है, अब तो बॉबी की निकल पड़ी। रेस 3 के बाद उनके लगातार कई और अच्छी फिल्में लाइन से आएंगी। इतना ही नहीं, अनिल कपूर आगे कहते हैं कि बॉबी देओल की तो अब निकल पड़ी, मेरे लिए वो धर्म जी के बेटे हैं, सनी का भाई है, अब उसे अपने बेटे जैसा तो बोल नहीं सकता क्योंकि धर्म जी मुझसे बहुत बड़े हैं, बॉबी मेरे छोटे भाई जैसा है, जैसे वो सनी देओल का छोटा भाई है वैसे मेरा भी है। सेट पर मैं और सलमान खान उसे छोटे भाई जैसा ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंधानंद की रिपोर्ट।